सविता शि दादा कितनी मांग देता तुम्हें बाजी? उस मार्केट में 18 रुपए में मिलती है और आप 20 रुपए में देते हो। अरे मैडम, ऐसे से तो हमारा नुकसान होगा ना दादा, फिर आपसे लेने का मतलब क्या है? हाँ, ये 2 रुपए का नाटक छोड़ खरीद ले, खरीद ले। लेकिन आई वो, अरे डर मत, अब 2-4 रुपए से मैं डरती नहीं। तूने जो मुझे हजारों का घाटा बर्दाश्त करने की आदत जो डाली है, मतलब साफ है। इराए 2 रुपए का नाटक छोड़, तू मेरे साथ चल। चल तेरी समझ में नहीं आई ना बात? अभी मैं समझाती हूँ। तूने मुझसे झूठ बोला, तुझे क्या लगा मैं हजम कर बैठी? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। अरे उड़ते पंछी के पर गिनती हूँ मैं, तू मुझे एड़ी मत बना। आई, लेकिन अरे मुझे पता चला है, वो हार तेरी आई ने नहीं, मेरी मानव ने बनाया। तुझे क्या लगा मुझे बात पता नहीं चलेगी? मुझे माफ कर दीजिए। आई बीपी की बात छोड़, तूने क्या समझा रे? मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। तूने ऐसा क्यों किया? पहले मेरे मानव को फुसला कर वो हार खरीदा। अरे कल की छोकरी तू, तेरे में इतनी हिम्मत कैसी आई? तू मेरे से दाव पेच खेलती है? नहीं आई, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तूने अपने आई के पैसे बचाने के लिए मेरे मानव को खड्डे में डाला। आप मुझे गलत समझ रही। मैं सही समझ रही हूँ, समझी? तू हमेशा मुझे क्रॉस करते आई। मैंने तुमसे गणपति का पेंडेंट मांगा, तूने अपने सोने के कंगन उतार के अपनी माँ को दिए। मैंने हार मांगा तो ये नाटक किया। मुझे तो शक है तेरी आई ये सब करवाती है, इसलिए मुझे उससे बात करनी है। ऐसा मत करो प्लीज, उस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं। आप मेरा विश्वास कीजिए। अरे विश्वास मर गया पानीपत की लड़ाई में, समझी ना तू? मुझे तेरी माँ से बात करनी है। मैं जा रही हूँ, तू आ। अर्चू बेटा, दोबारा नहीं बुलाऊंगी, समझी? समय हो गया है, हो गया ना सब कुछ? हाँ, हो गया। अभी देखो आज मेहमान ज्यादा आने वाले हैं, तो प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबको प्रसाद मिलना चाहिए। अबू भाई, सविता दे तुम्ही? हाँ आइए ना, आइए बैठिए, आइए। ये आपकी झूठी खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी जुबान में जो मिठास है ना, वो आपकी करतूत में रखी है। हाँ? मैं आपकी बेटी की करतूत सुनाने आई हूँ। बहुत संस्कार के ढिंडोरे पीटते है ना,
मुझे भी जरा देखने दो कौन से संस्कार दिए हैं अपने आपके बेटी को और भेजा है हमारे घर। लेकिन सविता ते हुआ क्या है, क्या किया है मेरी अर्चु ने? अपने बेटी से पूछे उसके कारनामे। आपकी बेटी ने मेरे भोले भाले मानव को फुसला कर उसे पैसे निकाले, हार खरीदा, मेरे हाथ में दिया और बोली मेरे आई ने भेजा है। सुलोचना ताई आपको हार नहीं देना था तो ना देती, लेकिन इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मेरा मानव दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, और उसके पैसे ऐसे बर्बाद हो गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्जु बेटा ये सच है? वो क्या बताएगी हा? और जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। सविता दी मुझे सच में कुछ मालूम नहीं है। अरे ये हो ही नहीं सकता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने इसे उकसाया है। आपके पैसे बचाने के लिए मेरे मानव के जेब पे डाका डाला। तू क्या मुंडी हिलाती है एच्चे एच्चे करके? अब ये तेरे आंसुओं का कुछ असर होने वाला नहीं है। यहाँ सबके सामने आंसू बहाएगी, मेरी नजर वहां गई, यहाँ फैमिली के साथ बैठ के एक नया प्लान करेगी। यहाँ सबके सब एक जैसे हैं, सब ने मिलके किया है ये सब। मैं हाथ धो के अब के पीछे नहीं पड़ी थी ना हार के लिए, दे देती आराम से बना के। इस तरह मेरी टांग गले में लटका के नाटक करने की क्या जरूरत थी? जिस मानव ने आज तक मेरे से झूठ नहीं बोला उसने इतनी इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। अरे दूर कर दिया मुझे मेरे बेटे से, यही करने की सीख दी थी आपने इसको? यही संस्कार दिए थे आपने? झूठ बोला और दूसरों को भी झूठ बोलने सिखाओ। मेरा मानव सीधा साधा भोला भाला है, लेकिन मैं बहुत टेढ़ी औरत हूँ, सबको सीधे करके रखूंगी मैं। आप सबको मैं भारी पड़ूंगी। बस यही बताने आई थी मैं। सुलोचना ताई ऐसा सबके सामने आके चिल्लाना मुझे जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, सीधी बात आप मानती नहीं। उस दिन मैंने आपको उस बंद कमरे में जाके प्यार से बातें सुनाई थी, फिर भी आपने ये नाटक किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। हो सकता है ये बात आपके पल्ले पड़ी होगी। सुलोचना ताई रिश्ता तो आपने जोड़ा है, अभी रिश्तेदारी निभाना सीख लीजिए, और आइंदा ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो आपकी बेटी पति को मुट्ठी में रखने का सपना देखते देखते अपने पति से ही हाथ धो बैठे। आप भी समझिएगा और अपनी बेटी को भी समझाइए। मैं चलती हूँ। हे बुद्धि चा देवता, इस घर के सभी लोगों को अच्छी बुद्धि देना।
रही हो ना, या इधर ही बैठ के माँ के साथ कुछ प्लान करने का प्लान है? आइए, इस हफ्ते के पैसे 350 है, 150 कम है। पिछले हफ्ते खर्चा ज्यादा हो गया था ना, इसलिए चलता है। आई फिर भी मैं एक दो दिन में मैनेज करके आपको दे दूंगा। अरे चिंता मत कर बेटा, होता है। आज दिन कैसा था आपका? आज मेरा दिन भी बहुत अच्छा रहा। वो मेरे बॉस ना एक नए गैरेज खोलने की सोच रहे, तो वो मुझसे कह रहे थे कि नया गैरेज खुलते ही वो इस गैरेज की सारी जिम्मेदारी मुझे दे देंगे और वो अपने नए गैरेज पे ही ध्यान देंगे। अच्छा है ना, जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ेगी वैसे से तजुर्बा। जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कुछ कह रहे थे ना? ने कुछ कहा आपसे? नहीं, मैं कह रही हूं ना, कुछ नहीं हुआ है। वो बस घर की याद आ गई थी ना। एक बात कहूं अर्चना जी, आप झूठ नहीं बोल पाती। बताइए मुझे क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सच्ची। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं, आप अपना हर दुख मेरे साथ बांट सकते हैं, मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। यकीन कीजिए, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। कहिए क्या बात है? आप थक गए ना, मैं खाना लगाती हूँ। आप रुकिए। आप यहीं बैठिए, मैं आता हूं। क्या खाना वाना हुआ क्या? हाँ, अरे दो दिन से लोग इतने आ रहे थे दर्शन के लिए, घर में इतना कचरा हुआ था ना, वो फेंकने आई थी। क्या सोच रही हो, अर्चना की सास के बारे में? हाँ,
सच बताऊं, मुझे अर्चना की बड़ी चिंता हो रही है। अगर सासुरवास कोणाला चुकला है, ये तो हर घर में होता है। दुनिया में ऐसी कौन सी सास बहू है कि जिनमें झगड़े नहीं होते? और हमारी अर्चना की तो अभी नई नई शादी हुई है। अभी तक तो अर्चना और सविता जी दोनों एक दूसरे को जान भी नहीं पाई होंगी। उसी का तो डर है, पता नहीं अर्चना की कैसी निभेगी वहाँ। हमारी अर्चना बहुत समझदार है, ती जमून खेल गा त्यांच्या बरोबर, और धीरे धीरे वो भी हमारे अर्जू की अच्छा ही जान पाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। भगवान करे तू जैसा कह रही है ना वैसा ही हो। मुझे बता पूर्वा कैसी है? वो कुलदेवी की पूजा के बाद मिली नहीं, कैसी चल रही है उसकी शादीशुदा जिंदगी? पूर्वा बहुत खुश है। शुरू में थोड़ी मुश्किलें हुई थी उसे अपने पति के साथ एडजस्ट करने में। दोनों की उम्र में भी तो बहुत फर्क है ना, उसी की वजह से। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, उसके पति बहुत अच्छे हैं, और उसके बच्चे वो तो पूर्वा के साथ इस तरह घुल मिल गए हैं कि जैसे वो ही उनकी सगी माँ हो। अच्छा चलो, अच्छा अच्छा मैं चलूँ? हाँ सुलोचना, एक बात कहूँ तुमसे? हाँ बोलना। अर्चू की सास इस वक्त जो भी मांग रही है तू जल्द से जल्द उसे दे दे। मैं जानती हूँ तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये किस्सा एक बार खत्म हो जाए ना। हाँ, और इस बात को बार बार दोहराते मत देना, अर्चना तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। ध्यान रखना कि उसकी सास तेरी इस कमजोरी का गलत फायदा ना उठाए। आई घर में कुछ हुआ है क्या? कुछ तो नहीं। तो फिर आई अर्चना इतनी उदास क्यों है? तो तू उसकी वकालत करने आया है। आई नहीं, मैं वो मुझे पता था वो जरूर कुछ न कुछ उल्टी पट्टी पढ़ाएगी मेरे बारे में। क्या बताया उसने? आई ऐसा कुछ नहीं है मैम। ऐसा नहीं है ना तो तू क्यों आया मुझे पूछने की क्या हुआ? आई नहीं तो ऐसा कर, उसको यहाँ मेरे सामने ला, आमने सामने हो जाने दो। अरे मुझे पता था वो जरूर मेरे बारे में तेरे मन में जहर उगलेगी। आई अर्चना ने कुछ नहीं कहा मुझसे। कुछ नहीं कहा तो तुझे सपना आया हम दोनों में अनबन हो गई? नहीं आई, लाख पूछने पर भी अर्चना ने मुझसे कुछ नहीं कहा, तभी तो तेरे पास आया हूँ। बताना क्या हुआ? अरे बताती हूँ ना, डरती हूँ क्या? तेरी लाडली बीवी को लेके गई थी मैं उसके आई के घर, तेरे सासू की हजामत करने। क्यों? तू क्यों करके पूछ रहा है? अब तेरी बीवी जैसा तू भी नाटक करने लगा मेरे साथ? इसने तेरे पैसे से सोने का हार बनवाया। मेरे हाथ में थमा दिया ये बोल के कि यह हार उसके आई ने बनाया है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, वो लाख चाहेंगे उनकी बेटी हमारे गले में मुफ्त में बांधने के लिए, लेकिन मैं होने दूंगी तब ना। अरे ये क्या बोली जा रही है तू? अरे अर्चना पत्नी है मेरी, शादी की है मैंने उससे, और आप ऐसे सोने चांदी से हमारे रिश्ते को, उसकी आई को क्यों सुनाया? अरे क्या सोच रही होंगी वो हमारे बारे में? गलत समझ रही है, अर्चना ने नहीं कहा था सोने का हार बनाने का, ये फैसला मेरा था। और आपसे बात छुपाने का भी फैसला मेरा था।